नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। आपको बता दें कि आज जो है भाकपा माले के द्वारा जो है घोषणा पत्र जारी किया गया है और इस घोषणा पत्र में क्या है, आइए हम जानते हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी से। देखिए, ये जो घोषणा पत्र है, आप एक शब्द में कहें तो ये बदलाव का घोषणा पत्र है, उम्मीद का घोषणा पत्र है, एक बेहतर बिहार के लिए घोषणा पत्र है। तो एक तो हमने जनता से अपील की, जो जनता का इस समय मूड है, बहुत लोगों ने झेला है बिहार में पिछले 15 साल नीतीश जी ने, बहुत कुछ उम्मीद जगाने के बाद उस सारे उम्मीदों पर एक तरह के सुसा विश्वासघात हुआ और खासकर 2015 में जनादेश के खिलाफ जा करके जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया और कोरोना काल में लॉकडाउन के दौर में सबसे ज्यादा मार बिहार पर पड़ी है, बिहार के प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर डबल इंजन की बात थी कि डबल इंजन बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, ये डबल बुलडोजर साबित हुआ। तो इसलिए एक तो लोगों में भारी आक्रोश है, हमने कहा है कि इस आक्रोश को सरकार को बेदखल कीजिए और इस आक्रोश को उम्मीद में तब्दील कीजिए, एक शक्ति में तब्दील कीजिए और एक बेहतर बिहार की ओर कदम बढ़ाइए। इसके लिए हमने जो घोषणा पत्र दिया है, इसमें हम दो बात कह सकते हैं कि इसमें मुद्दे वही परिचित मुद्दे हैं जो बिहार के जनता के मुद्दे हैं, जिसको लेकर के साल भर लोग संघर्ष करते रहते हैं, चाहे वो गांव में राशन की राशन का हो, जमीन का हो, आवास का हो, मजदूरी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या रोजगार का हो। सारे कर्मचारी बिहार में जो है, जो ठेका पर काम कर रहे हैं, मानदेय पर काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर आउटसोर्सिंग की मार है, उनके सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार का सवाल है, पलायन रुकने का सवाल है, इन सवालों को लेकर के हमने किया है। और दूसरा, इस समय इस देश में सबसे बड़ा जो घोषणा पत्र है वो देश का संविधान, संविधान का प्रीएम्बल, उसमें जो बातें हैं कि देश में सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित हो, बराबरी सुनिश्चित हो, आज़ादी सुनिश्चित हो, भाईचारा सुनिश्चित हो और हिंदुस्तान को हम एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, एक समाजवादी गणराज्य के रूप में स्थापित करें, तो ये जो प्रस्तावना संविधान में प्रीएम्बल है उसी को अपना मैनिफेस्टो मानते हुए उसी रोशनी में हमने कुछ मुद्दों को, मांगों को सम्मिलित किया और हमें उम्मीद है कि बिहार में इस बार बदलाव आएगा, सरकार बदलेगी और जो नई सरकार आएगी वो इसी दिशा में कदम बढ़ाएगी। महागठबंधन का जो कॉमन मिनिमम जो घोषणा पत्र होगा वो कब जारी होने की संभावना है? अभी बात चल रही है, मेरे ख्याल से जल्दी कुछ हो जाना चाहिए और अभी तो सरकार जब भी बनेगी तो उसका एक मिनिमम प्रोग्राम निश्चित तौर पर होगा और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोगों की उम्मीद जगी है उस उम्मीद को सरकार पूरा करने की दिशा में बढ़ेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।